मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2005 में रिलीज़ हुई मूवी सिन सिटी के बारे में यह मूवी बड़े ही 2005 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हैं सो so, अगर आप भी सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि सिन सिटी मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने सिन सिटी मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कितने बजट में सिन सिटी मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना फुल डिटेल में आपको सिन सिटी मूवी का रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो so सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में डायरेक्टर की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रैंक मिलर ने रॉबर्ट रोड्रिकूज़ ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी को प्रोड्यूस किया है एलिजाव एबालान ने एंड फ्रैंक मिलर ने रॉबर्ट रोड्रिक ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो सेंसिटी मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जैसिका अल्बा देखने को मिल जाते हैं उसके आगे वेनिसियो डेल टोरो देखने को मिल जाते हैं ब्रिटैनी मर्फी देखने को मिल जाते हैं क्लाइव ओवेन देखने को मिल जाते हैं मिक्की रॉर्की देखने को मिल जाते हैं ब्रूस विल्स देखने को मिल जाते हैं एंड वुड भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी में सनमैटोग्राफी की है रॉबर्ट रॉड्री ने और इस मूवी को एडिट किया है रॉबर्ट रॉड्री ने म्यूज़िक किया है इस मूवी का जॉहन डैबडे ने ग्रैम रैबल ने एंड रॉबर्ट रॉड्री ने और उसके आगे प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो इस मूवी को इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं डायमेंशन फिल्म्स ट्रेवल मेकर स्टूडियोज एंड डिस्ट्रीब्यूट किए इस मूवी को मायरा मैक्स फिल्म ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन अप्रैल टू थाउजेंड फाइव रहा था उसके आगे रनिंग टाइम वन ट्वेंटी फोर था सेंसिटी मूवी का एंड बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो सेंसिटी मूवी का बजट फोर्टी मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन फिफ्टी एट पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जैसिका अल्बा ने नैन्सी कलानहा का करैक्टर निभाया है डैबॉन ओकी ने मिहो का करैक्टर निभाया है एलेक्सिस एक्सीस ब्लै, ब्लैडन ने बैकी का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे पावर्स बूथे ने सैनाटोर एथान रोआर्क का करैक्टर निभाया है इस मूवी में जूड की कोलेला ने इस मूवी में कमिश्नर लेबोविट्स का कैरेक्टर निभाया है एंड रोसारियो डासन ने गेल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो तो यह कुछ इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात हो गई उसके आगे बात की जाए कि जॉनर की तो सिंह सिटी मूवी एक नियो नॉयर क्राइम एंथोलॉजी फिल्म है फ्रैंक मिलर एंड रॉबर्ट रॉड्री की द्वारा काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड यह मूवी आपको बता दें कि एक नावल के ऊपर बनाई गई है सिंसिटी नावल उसका नाम था उसके ऊपर ही इस मूवी को बनाया गया है काफ़ी अच्छी स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी एंड आपको बता दें कि इस मूवी का अगला पार्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा जो कि सेंसिटी आर्ट ड्राइम टू किल फॉर 2014 में रिलीज़ हुआ था काफ़ी पसंद आपको यह आने वाली यह मूवी काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस का आपको काम देखने को मिल जाता है इस मूवी में जैसी अल्बा अलबा बैनिशियो डेल्टोरो की कमाल की एक्टिंग देखने को मिल जाएगी एंड एडिटिंग एंड सरमाइटोग्राफी रॉबॉर्ट रॉड्रीज़ द्वारा ही की गई है कमाल की सरमाइटोग्राफी एडिटिंग देखने को मिल जाएगी जरूर से आप सिंध सिटी मूवी को देख सकते हो आई की बात की जाए तो सिंह सिटी को आई पर भी अच्छा खासा रेटिंग रिव्यूज़ मिला हुआ है इस मूवी को काफ़ी बढ़िया ज़्यादा लोगों ने पसंद की है आई पर एट एट आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पॉजिटिव रिव्यूज़ भी दिए हुए हैं इस मूवी को ज़रूर से आप देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना सो so, अगर आप सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को एच बी ओ मैक्स के ओरली प्लेटफॉर्म पर जरूर से देख सकते हो तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2005 में रिलीज़ हुई मूवी सिन सिटी के बारे में यह मूवी बड़े ही 2005 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि सिन सिटी मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने सिन सिटी मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कितने बजट में सिन सिटी मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना फुल डिटेल में आपको सिन सिटी मूवी का रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में डायरेक्टर की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रैंक मिलर ने रॉबर्ट रॉड्रिग्यूज़ ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो सिटी मूवी को प्रोड्यूस किया है एलिजाब एबालान ने एंड फ्रैंक मिलर ने रॉबर्ट रॉड्रिग्यूज़ ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जेसिका अल्बा देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डेल टोरो देखने को मिल जाते हैं ब्रिटैनी मर्फी देखने को मिल जाते हैं क्लाइव ओवेन देखने को मिल जाते हैं मिकी रॉर्की देखने को मिल जाते हैं ब्रूस विल्स देखने को मिल जाते हैं एंड एलिजा वुड भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी में सनमैटोग्राफी की है रॉबॉर्ट ने और इस मूवी को एडिट किया है रॉबर्ट रोड्रीग्यूज़ ने म्यूज़िक किया है इस मूवी का जॉहन डैबड़े ने ग्रैम रैबल ने एंड रॉबर्ट रोड्री ने और उसके आगे प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो इस मूवी को इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं डायमेंशन फिल्म्स, ट्रेवल मेकर स्टूडियोज एंड डिस्ट्रीब्यूट किए इस मूवी को मायरा मैक्स फिल्म्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन अप्रैल टू थाउजेंड फाइव रहा था उसके आगे रनिंग टाइम वन ट्वेंटी फोर मिनट्स था सेंसिटी मूवी का एंड बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो सेंसिटी मूवी का बजट फोर्टी मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन फिफ्टी एट पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जैसिका अल्बा ने नैन्सी कलानहा का कैरेक्टर निभाया है डैबॉन ओकी ने मिहो का करैक्टर निभाया है एलेक्सिस एलेक्सिस ब्लैडन ने बैकी का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे पावर्स बूथे ने सैनाटॉर एथान रोआार्क का करैक्टर निभाया है इस मूवी में जूड की कोलेला ने इस मूवी में कमिश्नर लेबोविट्स का कैरेक्टर निभाया है एंड रोसारियो डासन ने गेल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो तो यह कुछ इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात हो गई उसके आगे बात की जाए कि जॉनर की तो सिंसिटी मूवी एक नियो नॉयर क्राइम एंथोलॉजी फिल्म है फ्रैंक मिलर एंड रॉबर्ट रॉड्री द्वारा काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड यह मूवी आपको बता दें कि एक नावल के ऊपर बनाई गई है सिंसिटी नावल उसका नाम था उसके ऊपर ही इस मूवी को बनाया गया है काफ़ी अच्छी स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी एंड आपको बता दें कि इस मूवी का अगला पार्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा जो कि सिंसिटी आर्ट ड्राइम टू किल फॉर 2014 में रिलीज़ हुआ था काफ़ी पसंद आपको यह आने वाली यह मूवी काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस का आपको काम देखने को मिल जाता है इस मूवी में जैसी अल्बा अलबा बैनिसियो डेल्टोरो की कमाल की एक्टिंग देखने को मिल जाएगी एंड एडिटिंग एंड सरमाइटोग्राफी रॉबोर्ट रॉड्रीज द्वारा ही की गई है कमाल की सरमाइटोग्राफी एडिटिंग देखने को मिल जाएगी ज़रूर से आप आप सिटी मूवी को देख सकते हो आई की बात की जाए तो सिंह सिटी को आई पर भी अच्छा खासा रेटिंग रिव्यूज़ मिला हुआ है इस मूवी को काफ़ी बढ़िया ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है आई पर एट एट आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पॉजिटिव रिव्यूज़ भी दिए हुए हैं इस मूवी को सो जरूर से आप देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना सो so, अगर आप सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को एच बी ओ मैक्स के उर् प्लेटफॉर्म पर जरूर से देख सकते हो तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2005 में रिलीज़ हुई मूवी सिन सिटी के बारे में यह मूवी बड़े ही 2005 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि सिन सिटी मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने सिन सिटी मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कितने बजट में सिन सिटी मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना फुल डिटेल में आपको सिन सिटी मूवी का रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में डायरेक्टर की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रैंक मिलर ने रॉबर्ट रॉड्रिग्यूज़ ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी को प्रोड्यूस किया है एलिजाबेथ एबलान ने एंड फ्रांक मिलर ने रॉबर्ट रॉड्रिग्यूज़ ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जेसिका अल्बा देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टोरो देखने को मिल जाते हैं ब्रिटैनी मर्फी देखने को मिल जाते हैं क्लाइव ओवेन देखने को मिल जाते हैं मिक्की रॉर्की देखने को मिल जाते हैं ब्रूस विल्स देखने को मिल जाते हैं एंड एलिजा वुड भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी में सनमैटोग्राफी की है रॉबर्ट रोड्रीग्यूज़ ने और इस मूवी को एडिट किया है रॉबर्ट रोड्रीगूज़ ने म्यूजिक किया है इस मूवी का जॉहन डैबड़े ने ग्रैम रैबल ने एंड रॉबर्ट रॉड्री ने और उसके आगे प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो इस मूवी को इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं डायमेंशन फिल्म्स, ट्रैवल मेकर स्टूडियोज एंड डिस्ट्रीब्यूट किए इस मूवी को मायरा मैक्स फिल्म्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन अप्रैल टू थाउजेंड फाइव रहा था उसके आगे रनिंग टाइम वन ट्वेंटी फोर था सेंसिटी मूवी का एंड बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो सेंसिटी मूवी का बजट फोर्टी मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन फिफ्टी एट पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जैसिका अल्बा ने नैन्सी कलाना का कैरेक्टर निभाया है डैबॉन ओकी ने मिहो का कैरेक्टर निभाया है एलेक्सिस एक्सीस ब्लैडन ने बैकी का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे पावर्स बूथे ने सैनाटॉर एथान रोआर्क का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जूड की कोलेला ने इस मूवी में कमिश्नर लेबोविट्स का कैरेक्टर निभाया है एंड रोसारियो डाउसन ने गेल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो तो यह कुछ इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात हो गई उसके आगे बात की जाए कि जॉनर की तो सिंसिटी मूवी एक न्यो नॉयर क्राइम एंथोलॉजी फिल्म है फ्रैंक मिलर एंड रॉबर्ट रॉड्री द्वारा काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड यह मूवी आपको बता दें कि एक नावल के ऊपर बनाई गई है सिंह सिटी नावल उसका नाम था उसके ऊपर ही इस मूवी को बनाया गया है काफ़ी अच्छी स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी एंड आपको बता दें कि इस मूवी का अगला पार्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा जो कि सेंसिटी आर्ट ड्राइम टू किल फॉर 2014 में रिलीज़ हुआ था काफ़ी पसंद है आपको यह आने वाली यह मूवी काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस का आपको काम देखने को मिल जाता है इस मूवी में जैसी का अलबा बैनिशियो डेल्टोरो की कमाल की एक्टिंग देखने को मिल जाएगी एंड एडिटिंग एंड सरमाइटोग्राफी रॉबॉर्ट रोड्रीगज़ द्वारा ही की गई है कमाल की सरमाइटोग्राफी एडिटिंग देखने को मिल जाएगी जरूर से आप सिंसिटी मूवी को देख सकते हो आई की बात की जाए तो सिंह सिटी को आई पर भी अच्छा खासा रेटिंग रिव्यूज़ मिला हुआ है इस मूवी को काफ़ी बढ़िया ज़्यादा लोगों ने पसंद की है आई पर एट एट आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पॉजिटिव रिव्यूज़ भी दिए हुए हैं इस मूवी को ज़रूर से आप देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना सो so, अगर आप सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को एच बी ओ मैक्स के ऊर प्लेटफॉर्म पर जरूर से देख सकते हो तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2005 में रिलीज़ हुई मूवी सिन सिटी के बारे में यह मूवी बड़े ही दो में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि सिन सिटी मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने सिन सिटी मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने ने लिखा है फुल डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कितने बजट में सिन सिटी मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना फुल डिटेल में आपको सिन सिटी मूवी का रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में डायरेक्टर की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रैंक मिलर ने रॉबर्ट रॉड्रिग्यूज़ ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो सिंसिटी मूवी को प्रोड्यूस किया है एलिजाबेथ एबालान ने एंड फ्रांक मिलर ने रॉबर्ट रॉड्रिग्यूज़ ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो सिंह सिटी मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जेसिका अल्बा देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डेल टोरो देखने को मिल जाते हैं ब्रिटानी मर्फी देखने को मिल जाते हैं क्लाइव ओवेन देखने को मिल जाते हैं मिकी रॉर्की देखने को मिल जाते हैं ब्रूस विल्स देखने को मिल जाते हैं एंड एलिजा वुड भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी में सैनमेटोग्राफी की है रॉबर्ट रॉबॉर्ट ने और इस मूवी को एडिट किया है रॉबर्ट रोड्रीग्यूज़ ने म्यूज़िक किया है इस मूवी का जॉहन डैबड़े ने ग्रैम रैबल ने एंड रॉबर्ट रोड्री ने और उसके आगे प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो इस मूवी को इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं डायमेंशन फिल्म्स, ट्रैवल मेकर स्टूडियोज एंड डिस्ट्रीब्यूट किए इस मूवी को मायरा मैक्स फिल्म्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन अप्रैल टू थाउजेंड फाइव रहा था उसके आगे रनिंग टाइम वन ट्वेंटी फोर मिनट्स था सेंसिटी मूवी का एंड बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो सेंसिटी मूवी का बजट फोर्टी मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन फिफ्टी एट पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जैसिका अल्बा ने नैन्सी कलानहा का करैक्टर निभाया है डैबॉन ओकी ने मिहो का करैक्टर निभाया है एलेक्सिस एलेक्सिस ब्लैडन ने बैकी का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे पावर्स बूथे ने सेनाटोर एथान रोआर्क का करैक्टर निभाया है इस मूवी में जूड की कोलेला ने इस मूवी में कमिश्नर लेबोविट्स का कैरेक्टर निभाया है एंड रोसारियो डासन ने गेल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो तो यह कुछ इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात हो गई उसके आगे बात की जाए कि जॉनर की तो सिंसिटी मूवी एक नियो नॉयर क्राइम एंथोलॉजी फिल्म है फ्रैंक मिलर एंड रॉबर्ट रॉड्री की द्वारा काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड यह मूवी आपको बता दें कि एक नावल के ऊपर बनाई गई है सिंसिटी नावल उसका नाम था उसके ऊपर ही इस मूवी को बनाया गया है काफ़ी अच्छी स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी एंड आपको बता दें कि इस मूवी का अगला पार्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा जो कि सेंसिटी आर्ट ड्राइम टू किल फॉर 2014 में रिलीज़ हुआ था काफ़ी पसंद है आपको यह आने वाली यह मूवी काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस का आपको काम देखने को मिल जाता है इस मूवी में जैसी अल्बा अलबा बैनिसियो डेल्टोरो की कमाल की एक्टिंग देखने को मिल जाएगी एंड एडिटिंग एंड सरमाइटोग्राफी रॉबर्ट रॉड्रीज द्वारा ही की गई है कमाल की सरमाइटोग्राफी एडिटिंग देखने को मिल जाएगी जरूर से आप सिंध सिटी मूवी को देख सकते हो आई की बात की जाए तो सिंह सिटी को आई पर भी अच्छा खासा रेटिंग रिव्यूज़ मिला हुआ है इस मूवी को काफ़ी बढ़िया ज़्यादा लोगों ने पसंद की है आई पर एट एट आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पॉजिटिव रिव्यूज़ भी दिए हुए हैं इस मूवी को ज़रूर से आप देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना सो so, अगर आप सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को एच बी ओ मैक्स के ओरली प्लेटफॉर्म पर जरूर से देख सकते हो तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2005 में रिलीज़ हुई मूवी सिन सिटी के बारे में यह मूवी बड़े ही दो में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि सिन सिटी मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी साथ ही में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने सिन सिटी मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कितने बजट में सिन सिटी मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना फुल डिटेल में आपको सिन सिटी मूवी का रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में डायरेक्टर की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रैंक मिलर ने रॉबर्ट रॉड्रिग्यूज़ ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो सिंह सिटी मूवी को प्रोड्यूस किया है एलिजाबेथ एबलान ने एंड फ्रैंक मिलर ने रॉबर्ट रॉड्रिग्यूज़ ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो सिंह सिटी मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जेसिका अल्बा देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टोरो देखने को मिल जाते हैं ब्रिटैनी मर्फी देखने को मिल जाते हैं क्लाइव ओवेन देखने को मिल जाते हैं मिक्की रॉर्की देखने को मिल जाते हैं ब्रूस विल्स देखने को मिल जाते हैं एंड एलिजा वुड भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी में सनमैटोग्राफी की है रॉबॉर्ट ने और इस मूवी को एडिट किया है रॉबर्ट रोड्रीग्यूज़ ने म्यूज़िक किया है इस मूवी का जॉहन डैबड़े ने ग्रैम रैबल ने एंड रॉबर्ट रॉड्री ने और उसके आगे प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो इस मूवी को इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं डायमेंशन फिल्म्स, ट्रेवल मेकर स्टूडियोज एंड डिस्ट्रीब्यूट किए इस मूवी को मायरा मैक्स फिल्म्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन अप्रैल टू थाउजेंड फाइव रहा था उसके आगे रनिंग टाइम वन ट्वेंटी फोर मिनट था सेंसिटी मूवी का एंड बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो सेंसिटी मूवी का बजट फोर्टी मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन फिफ्टी एट पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जैसिका अल्बा ने नैन्सी कलानहा का कैरेक्टर निभाया है देबॉन ओकी ने मिहो का करैक्टर निभाया है एक्सीस एक्सिस ब्लै, ब्लैडन ने बैकी का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे पावर्स बूथे ने सैनाटॉर एथान रोआर्क का करैक्टर निभाया है इस मूवी में जूड की कोलेला ने इस मूवी में कमिश्नर लेबोविट्स का कैरेक्टर निभाया है एंड रोसारियो डाउसन ने गेल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो तो यह कुछ इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात हो गई उसके आगे बात की जाए कि जॉनर की तो सिंसिटी मूवी एक नियो नॉयर क्राइम एंथोलॉजी फिल्म है फ्रैंक मिलर एंड रॉबर्ट रॉड्री द्वारा काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड यह मूवी आपको बता दें कि एक नावल के ऊपर बनाई गई है सिंसिटी नावल उसका नाम था उसके ऊपर ही इस मूवी को बनाया गया है काफ़ी अच्छी स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी एंड आपको बता दें कि इस मूवी का अगला पार्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा जो कि सिंसिटी आर्ट ड्राइम टू किल फॉर 2014 में रिलीज़ हुआ था काफ़ी पसंद है आपको यह आने वाली यह मूवी काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस का आपको काम देखने को मिल जाता है इस मूवी में जैसी अल्बा अलबा बैनिशियो डेल्टोरो की कमाल की एक्टिंग देखने को मिल जाएगी एंड एडिटिंग एंड सरमाइटोग्राफी रॉबोर्ट रॉड्रीज द्वारा ही की गई है कमाल की सरमाइटोग्राफी एडिटिंग देखने को मिल जाएगी जरूर से आप सिटी मूवी को देख सकते हो आई की बात की जाए तो सिंह सिटी को आई पर भी अच्छा खासा रेटिंग रिव्यूज़ मिला हुआ है इस मूवी को काफ़ी बढ़िया ज़्यादा लोगों ने पसंद की है आई पर एट एट आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पॉजिटिव रिव्यूज़ भी दिए हुए हैं इस मूवी को जरूर से आप देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना सो so, अगर आप सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को एच बी ओ मैक्स के उर् प्लेटफॉर्म पर ज़रूर से देख सकते हो तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2005 में रिलीज़ हुई मूवी सिन सिटी के बारे में यह मूवी बड़े ही 2005 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि सिन सिटी मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने सिन सिटी मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कितने बजट में सिन सिटी मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना फुल डिटेल में आपको सिन सिटी मूवी का रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में डायरेक्टर की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रैंक मिलर ने रॉबर्ट रॉड्रिग्यूज़ ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी को प्रोड्यूस किया है एलिजाब एबलान ने एंड फ्रांक मिलर ने रॉबर्ट रॉड्रिग्यूज़ ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो सिंसिटी मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जेसिका अल्बा देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डेल टोरो देखने को मिल जाते हैं ब्रिटानी मर्फी देखने को मिल जाते हैं क्लाइव ओवेन देखने को मिल जाते हैं मिकी रॉर्की देखने को मिल जाते हैं ब्रूस विल्स देखने को मिल जाते हैं एंड एलिजा वुड भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी में सनमैटोग्राफी की है रॉबर्ट रोड्री ने और इस मूवी को एडिट किया है रॉबर्ट रोड्रीग्यूज़ ने म्यूजिक किया है इस मूवी का जॉहन डैबड़े ने ग्रैम रेबल ने एंड रॉबर्ट रोड्री ने और उसके आगे प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो इस मूवी को इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं डायमेंशन फिल्म्स ट्रेवल मेकर स्टूडियोज एंड डिस्ट्रीब्यूट किए इस मूवी को मायरा मैक्स फिल्म ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन अप्रैल टू थाउजेंड फाइव रहा था उसके आगे रनिंग टाइम वन मिनट्स फोर था सेंसिटी मूवी का एंड बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो सेंसिटी मूवी का बजट फोर्टी मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन फिफ्टी एट पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जैसिका अल्बा ने नैन्सी कलाना का कैरेक्टर निभाया है डैबॉन ओकी ने मिहो का कैरेक्टर निभाया है एलेक्सिस एक्सीस ब्लै, ब्लैडन ने बैकी का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे पावर्स बूथे ने सैनाटोर एथान रोआर्क का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जूड की कोलेला ने इस मूवी में कमिश्नर लेबोविट्स का कैरेक्टर निभाया है एंड रोसारियो डाउसन ने गेल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो तो यह कुछ इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात हो गई उसके आगे बात की जाए कि जॉनर की तो सिंह सिटी मूवी एक नियो नॉयर क्राइम एंथोलॉजी फिल्म है फ्रैंक मिलर एंड रॉबर्ट रॉड्री की द्वारा काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड यह मूवी आपको बता दें कि एक नावल के ऊपर बनाई गई है सिंसिटी नावल उसका नाम था उसके ऊपर ही इस मूवी को बनाया गया है काफ़ी अच्छी स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी एंड आपको बता दें कि इस मूवी का अगला पार्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा जो कि सेंसिटी आर्ट ड्राइम टू किल फॉर 2014 में रिलीज़ हुआ था काफ़ी पसंद है आपको यह आने वाली यह मूवी काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस का आपको काम देखने को मिल जाता है इस मूवी में जैसी अल्बा अलबा बैनिशियो डेल्टोरो की कमाल की एक्टिंग देखने को मिल जाएगी एंड एडिटिंग एंड सरमाइटोग्राफी रॉबॉर्ट रॉड्रीज़ द्वारा ही की गई है कमाल की सरमाइटोग्राफी एडिटिंग देखने को मिल जाएगी जरूर से आप सिंध सिटी मूवी को देख सकते हो आई की बात की जाए तो सिंह सिटी को आई पर भी अच्छा खासा रेटिंग रिव्यूज़ मिला हुआ है इस मूवी को काफ़ी बढ़िया ज़्यादा लोगों ने पसंद की है आई पर एट एट आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पॉजिटिव रिव्यूज़ भी दिए हुए हैं इस मूवी को ज़रूर से आप देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना सो so, अगर आप सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को एच बी ओ मैक्स के ओरली प्लेटफॉर्म पर जरूर से देख सकते हो तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2005 में रिलीज़ हुई मूवी सिन सिटी के बारे में यह मूवी बड़े ही 2005 में रिलीज हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि सिन सिटी मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने सिन सिटी मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कितने बजट में सिन सिटी मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना फुल डिटेल में आपको सिन सिटी मूवी का रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में डायरेक्टर की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रैंक मिलर ने रॉबर्ट रॉड्रिग्यूज़ ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो सिटी मूवी को प्रोड्यूस किया है एलिजाब एबालान ने एंड फ्रैंक मिलर ने रॉबर्ट रॉड्रिग्यूज़ ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जेसिका अल्बा देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डेल टोरो देखने को मिल जाते हैं ब्रिटैनी मर्फी देखने को मिल जाते हैं क्लाइव ओवेन देखने को मिल जाते हैं मिकी रॉर्की देखने को मिल जाते हैं ब्रूस विल्स देखने को मिल जाते हैं एंड एलिजा वुड भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी में सनमैटोग्राफी की है रॉबॉर्ट ने और इस मूवी को एडिट किया है रॉबर्ट रोड्रीग्यूज़ ने म्यूज़िक किया है इस मूवी का जॉहन डैबड़े ने ग्रैम रैबल ने एंड रॉबर्ट रोड्री ने और उसके आगे प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो इस मूवी को इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं डायमेंशन फिल्म्स, ट्रेवल मेकर स्टूडियोज एंड डिस्ट्रीब्यूट किए इस मूवी को मायरा मैक्स फिल्म्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन अप्रैल टू थाउजेंड फाइव रहा था उसके आगे रनिंग टाइम वन ट्वेंटी फोर मिनट्स था सेंसिटी मूवी का एंड बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो सेंसिटी मूवी का बजट फोर्टी मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन फिफ्टी एट पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जैसिका अल्बा ने नैन्सी कलानहा का कैरेक्टर निभाया है डैबॉन ओकी ने मिहो का करैक्टर निभाया है एलेक्सिस एलेक्सिस ब्लैडन ने बैकी का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे पावर्स बूथे ने सैनाटॉर एथान रोआार्क का करैक्टर निभाया है इस मूवी में जूड की कोलेला ने इस मूवी में कमिश्नर लेबोविट्स का कैरेक्टर निभाया है एंड रोसारियो डासन ने गेल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो तो यह कुछ इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात हो गई उसके आगे बात की जाए कि जॉनर की तो सिंसिटी मूवी एक नियो नॉयर क्राइम एंथोलॉजी फिल्म है फ्रैंक मिलर एंड रॉबर्ट रॉड्री द्वारा काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड यह मूवी आपको बता दें कि एक नावल के ऊपर बनाई गई है सिंसिटी नावल उसका नाम था उसके ऊपर ही इस मूवी को बनाया गया है काफ़ी अच्छी स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी एंड आपको बता दें कि इस मूवी का अगला पार्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा जो कि सिंसिटी आर्ट ड्राइम टू किल फॉर 2014 में रिलीज़ हुआ था काफ़ी पसंद आपको यह आने वाली यह मूवी काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस का आपको काम देखने को मिल जाता है इस मूवी में जैसी अल्बा अलबा बैनिशियो डेल्टोरो की कमाल की एक्टिंग देखने को मिल जाएगी एंड एडिटिंग एंड सरमाइटोग्राफी रॉबर्ट रॉड्रीज द्वारा ही की गई है कमाल की सरमाइटोग्राफी एडिटिंग देखने को मिल जाएगी ज़रूर से आप आप सिटी मूवी को देख सकते हो आई की बात की जाए तो सिंह सिटी को आई पर भी अच्छा खासा रेटिंग रिव्यूज़ मिला हुआ है इस मूवी को काफ़ी बढ़िया ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है आई पर एट एट आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पॉजिटिव रिव्यूज़ भी दिए हुए हैं इस मूवी को सो जरूर से आप देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना सो so, अगर आप सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को एच बी ओ मैक्स के उर् प्लेटफॉर्म पर जरूर से देख सकते हो तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2005 में रिलीज़ हुई मूवी सिन सिटी के बारे में यह मूवी बड़े ही 2005 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि सिन सिटी मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने सिन सिटी मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कितने बजट में सिन सिटी मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना फुल डिटेल में आपको सिन सिटी मूवी का रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में डायरेक्टर की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रैंक मिलर ने रॉबर्ट रॉड्रिग्यूज़ ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी को प्रोड्यूस किया है एलिजाबेथ एबलान ने एंड फ्रांक मिलर ने रॉबर्ट रॉड्रिग्यूज़ ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जेसिका अल्बा देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टोरो देखने को मिल जाते हैं ब्रिटैनी मर्फी देखने को मिल जाते हैं क्लाइव ओवेन देखने को मिल जाते हैं मिक्की रॉर्की देखने को मिल जाते हैं ब्रूस विल्स देखने को मिल जाते हैं एंड एलिजा वुड भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी में सनमैटोग्राफी की है रॉबर्ट रोड्रीग्यूज़ ने और इस मूवी को एडिट किया है रॉबर्ट रोड्रीगूज़ ने म्यूजिक किया है इस मूवी का जॉहन डैबड़े ने ग्रैम रेबल ने एंड रॉबर्ट रोड्रीग्यूज़ ने और उसके आगे प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो इस मूवी को इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं डायमेंशन फिल्म्स, ट्रैवल मेकर स्टूडियोज एंड डिस्ट्रीब्यूट किए इस मूवी को मायरा मैक्स फिल्म्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन अप्रैल टू थाउजेंड फाइव रहा था उसके आगे रनिंग टाइम वन ट्वेंटी फोर था सेंसिटी मूवी का एंड बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो सेंसिटी मूवी का बजट फोर्टी मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन फिफ्टी एट पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जैसिका अल्बा ने नैन्सी कलाना का कैरेक्टर निभाया है डैबॉन ओकी ने मिहो का कैरेक्टर निभाया है एलेक्सिस एक्सीस ब्लैडन ने बैकी का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे पावर्स बूथे ने सैनाटॉर एथान रोआर्क का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जूड की कोलेला ने इस मूवी में कमिश्नर लेबोविट्स का कैरेक्टर निभाया है एंड रोसारियो डाउसन ने गेल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो तो यह कुछ इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात हो गई उसके आगे बात की जाए कि जॉनर की तो सिंह सिटी मूवी एक न्यू नोयर क्राइम एंथोलॉजी फिल्म है फ्रैंक मिलर एंड रॉबर्ट रॉड्री द्वारा काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड यह मूवी आपको बता दें कि एक नावल के ऊपर बनाई गई है सिंह सिटी नावल उसका नाम था उसके ऊपर ही इस मूवी को बनाया गया है काफ़ी अच्छी स्टोरी है। आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी एंड आपको बता दें कि इस मूवी का अगला पार्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा जो कि सेंसिटी आर्ट ड्राइम टू किल फॉर 2014 में रिलीज़ हुआ था काफ़ी पसंद है आपको यह आने वाली यह मूवी काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस का आपको काम देखने को मिल जाता है इस मूवी में जैसी का अलबा बैनिशियो डेल्टोरो की कमाल की एक्टिंग देखने को मिल जाएगी एंड एडिटिंग एंड सरमाइटोग्राफी रॉबॉर्ट रोड्रीगज़ द्वारा ही की गई है कमाल की सरमाइटोग्राफी एडिटिंग देखने को मिल जाएगी जरूर से आप सिंसिटी मूवी को देख सकते हो आई की बात की जाए तो सिंह सिटी को आई पर भी अच्छा खासा रेटिंग रिव्यूज़ मिला हुआ है इस मूवी को काफ़ी बढ़िया ज़्यादा लोगों ने पसंद की है आई पर एट एट आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पॉजिटिव रिव्यूज़ भी दिए हुए हैं इस मूवी को ज़रूर से आप देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना सो so, अगर आप सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को एच बी ओ मैक्स के ऊर प्लेटफॉर्म पर जरूर से देख सकते हो तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2005 में रिलीज़ हुई मूवी सिन सिटी के बारे में यह मूवी बड़े ही 2005 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि सिन सिटी मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने सिन सिटी मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने ने लिखा है फुल डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कितने बजट में सिन सिटी मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना फुल डिटेल में आपको सिन सिटी मूवी का रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में डायरेक्टर की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रैंक मिलर ने रॉबर्ट रॉड्रिग्यूज़ ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो सिंसिटी मूवी को प्रोड्यूस किया है एलिजाबेथ एबालान ने एंड फ्रांक मिलर ने रॉबर्ट रॉड्रिग्यूज़ ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो सिंह सिटी मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जेसिका अल्बा देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डेल टोरो देखने को मिल जाते हैं ब्रिटानी मर्फी देखने को मिल जाते हैं क्लाइव ओवेन देखने को मिल जाते हैं मिकी रॉर्की देखने को मिल जाते हैं ब्रूस विल्स देखने को मिल जाते हैं एंड एलिजा वुड भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी में सैनमेटोग्राफी की है रॉबर्ट रॉबॉर्ट ने और इस मूवी को एडिट किया है रॉबर्ट रोड्रीग्यूज़ ने म्यूज़िक किया है इस मूवी का जॉहन डैबड़े ने ग्रैम रैबल ने एंड रॉबर्ट रोड्री ने और उसके आगे प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो इस मूवी को इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं डायमेंशन फिल्म्स, ट्रैवल मेकर स्टूडियोज एंड डिस्ट्रीब्यूट किए इस मूवी को मायरा मैक्स फिल्म्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन अप्रैल टू थाउजेंड फाइव रहा था उसके आगे रनिंग टाइम वन ट्वेंटी फोर मिनट्स था सेंसिटी मूवी का एंड बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो सेंसिटी मूवी का बजट फोर्टी मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन फिफ्टी एट पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जैसिका अल्बा ने नैन्सी कलानहा का करैक्टर निभाया है डैबॉन ओकी ने मिहो का करैक्टर निभाया है एलेक्सिस एलेक्सिस ब्लैडन ने बैकी का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे पावर्स बूथे ने सेनाटोर एथान रोआर्क का करैक्टर निभाया है इस मूवी में जूड की कोलेला ने इस मूवी में कमिश्नर लेबोविट्स का कैरेक्टर निभाया है एंड रोसारियो डाउसन ने गेल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो तो यह कुछ इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात हो गई उसके आगे बात की जाए कि जॉनर की तो सिंसिटी मूवी एक नियो नॉयर क्राइम एंथोलॉजी फिल्म है फ्रैंक मिलर एंड रॉबर्ट रॉड्री की द्वारा काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड यह मूवी आपको बता दें कि एक नावल के ऊपर बनाई गई है सिंसिटी नावल उसका नाम था उसके ऊपर ही इस मूवी को बनाया गया है काफ़ी अच्छी स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी एंड आपको बता दें कि इस मूवी का अगला पार्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा जो कि सेंसिटी आर्ट ड्राइम टू किल फॉर 2014 में रिलीज़ हुआ था काफ़ी पसंद है आपको यह आने वाली यह मूवी काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस का आपको काम देखने को मिल जाता है इस मूवी में जैसी अल्बा अलबा बैनिसियो डेल्टोरो की कमाल की एक्टिंग देखने को मिल जाएगी एंड एडिटिंग एंड सरमाइटोग्राफी रॉबोट रॉड्रीज द्वारा ही की गई है कमाल की सरमाइटोग्राफी एडिटिंग देखने को मिल जाएगी जरूर से आप सिंध सिटी मूवी को देख सकते हो आई की बात की जाए तो सिंह सिटी को आई पर भी अच्छा खासा रेटिंग रिव्यूज़ मिला हुआ है इस मूवी को काफ़ी बढ़िया ज़्यादा लोगों ने पसंद की है आई पर एट एट आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पॉजिटिव रिव्यूज़ भी दिए हुए हैं इस मूवी को ज़रूर से आप देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना सो so, अगर आप सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को एच बी ओ मैक्स के ओरली प्लेटफॉर्म पर जरूर से देख सकते हो तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2005 में रिलीज़ हुई मूवी सिन सिटी के बारे में यह मूवी बड़े ही दो में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि सिन सिटी मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी साथ ही में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने सिन सिटी मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कितने बजट में सिन सिटी मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना फुल डिटेल में आपको सिन सिटी मूवी का रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में डायरेक्टर की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रैंक मिलर ने रॉबर्ट रॉड्रिग्यूज़ ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो सिंह सिटी मूवी को प्रोड्यूस किया है एलिजाबेथ एबलान ने एंड फ्रैंक मिलर ने रॉबर्ट रॉड्रिग्यूज़ ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो सिंह सिटी मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जेसिका अल्बा देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टोरो देखने को मिल जाते हैं ब्रिटैनी मर्फी देखने को मिल जाते हैं क्लाइव ओवेन देखने को मिल जाते हैं मिक्की रॉर्की देखने को मिल जाते हैं ब्रूस विल्स देखने को मिल जाते हैं एंड एलिजा वुड भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी में सनमैटोग्राफी की है रॉबॉर्ट ने और इस मूवी को एडिट किया है रॉबर्ट रोड्रीग्यूज़ ने म्यूज़िक किया है इस मूवी का जॉहन डैबड़े ने ग्रैम रेबल ने एंड रॉबर्ट रोड्रीग्यूज़ ने और उसके आगे प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो इस मूवी को इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं डायमेंशन फिल्म्स, ट्रेवल मेकर स्टूडियोज एंड डिस्ट्रीब्यूट किए इस मूवी को मायरा मैक्स फिल्म्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन अप्रैल टू थाउजेंड फाइव रहा था उसके आगे रनिंग टाइम वन ट्वेंटी फोर मिनट था सेंसिटी मूवी का एंड बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो सेंसिटी मूवी का बजट फोर्टी मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन फिफ्टी एट पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जैसिका अल्बा ने नैन्सी कलानहा का कैरेक्टर निभाया है देबॉन ओकी ने मिहो का करैक्टर निभाया है एक्सीस एक्सिस ब्लैडन ने बैकी का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे पावर्स बूथे ने सैनाटॉर एथान रोआर्क का करैक्टर निभाया है इस मूवी में जूड की कोलेला ने इस मूवी में कमिश्नर लेबोविट्स का कैरेक्टर निभाया है एंड रोसारियो डाउसन ने गेल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो तो यह कुछ इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात हो गई उसके आगे बात की जाए कि जॉनर की तो सिंसिटी मूवी एक नियो नोयर क्राइम एंथोलॉजी फिल्म है फ्रैंक मिलर एंड रॉबर्ट रॉड्री द्वारा काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड यह मूवी आपको बता दें कि एक नावल के ऊपर बनाई गई है सिंसिटी नावल उसका नाम था उसके ऊपर ही इस मूवी को बनाया गया है काफ़ी अच्छी स्टोरी है। आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी एंड आपको बता दें कि इस मूवी का अगला पार्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा जो कि सिंसिटी आर्ट ड्राइम टू किल फॉर 2014 में रिलीज़ हुआ था काफ़ी पसंद है आपको यह आने वाली यह मूवी काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस का आपको काम देखने को मिल जाता है इस मूवी में जैसी अल्बा अलबा बैनिशियो डेल्टोरो की कमाल की एक्टिंग देखने को मिल जाएगी एंड एडिटिंग एंड सैनमाइटोग्राफी रॉबोर्ट रॉड्रीज द्वारा ही की गई है कमाल की सैनमग्राफी एडिटिंग देखने को मिल जाएगी जरूर से आप सिटी मूवी को देख सकते हो आई की बात की जाए तो सिंह सिटी को आई पर भी अच्छा खासा रेटिंग रिव्यूज़ मिला हुआ है इस मूवी को काफ़ी बढ़िया ज़्यादा लोगों ने पसंद की है आई पर एट एट आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पॉजिटिव रिव्यूज़ भी दिए हुए हैं इस मूवी को जरूर से आप देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना सो so, अगर आप सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को एच बी ओ मैक्स के उर् प्लेटफॉर्म पर ज़रूर से देख सकते हो तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2005 में रिलीज़ हुई मूवी सिन सिटी के बारे में यह मूवी बड़े ही 2005 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि सिन सिटी मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने सिन सिटी मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कितने बजट में सिन सिटी मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना फुल डिटेल में आपको सिन सिटी मूवी का रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में डायरेक्टर की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रैंक मिलर ने रॉबर्ट रॉड्रिग्यूज़ ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो सिंसिटी मूवी को प्रोड्यूस किया है एलिजाब एबलान ने एंड फ्रांक मिलर ने रॉबर्ट रॉड्रिग्यूज़ ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो सिंसिटी मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जेसिका अल्बा देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डेल टोरो देखने को मिल जाते हैं ब्रिटानी मर्फी देखने को मिल जाते हैं क्लाइव ओवेन देखने को मिल जाते हैं मिकी रॉर्की देखने को मिल जाते हैं ब्रूस विल्स देखने को मिल जाते हैं एंड एलिजा वुड भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी में सनमैटोग्राफी की है रॉबर्ट रोड्री ने और इस मूवी को एडिट किया है रॉबर्ट रोड्रीग्यूज़ ने म्यूजिक किया है इस मूवी का जॉहन डैबड़े ने ग्रैम रेबल ने एंड रॉबर्ट रोड्रीग्यूज़ ने और उसके आगे प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो इस मूवी को इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं डायमेंशन फिल्म्स, ट्रैवल मेकर स्टूडियोज एंड डिस्ट्रीब्यूट किए इस मूवी को मायरा मैक्स फिल्म्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन अप्रैल टू थाउजेंड फाइव रहा था उसके आगे रनिंग टाइम वन ट्वेंटी फोर मिनट्स था सेंसिटी मूवी का एंड बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो सेंसिटी मूवी का बजट फोर्टी मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन फिफ्टी एट पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जैसिका अल्बा ने नैन्सी कलानहा का करैक्टर निभाया है डैबॉन ओकी ने मिहो का करैक्टर निभाया है एलेक्सिस एक्सीस ब्लैडन ने बैकी का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे पावर्स बूथे ने सैनाटोर एथान रोआर्क का करैक्टर निभाया है इस मूवी में जूड की कोलेला ने इस मूवी में कमिश्नर लेबोविट्स का कैरेक्टर निभाया है एंड रोसारियो डाउसन ने गेल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो तो यह कुछ इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात हो गई उसके आगे बात की जाए कि जॉनर की तो सिंह सिटी मूवी एक नियो नॉयर क्राइम एंथोलॉजी फिल्म है फ्रैंक मिलर एंड रॉबर्ट रॉड्रीज द्वारा काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड यह मूवी आपको बता दें कि एक नावल के ऊपर बनाई गई है सिंसिटी नावल उसका नाम था उसके ऊपर ही इस मूवी को बनाया गया है काफ़ी अच्छी स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी एंड आपको बता दें कि इस मूवी का अगला पार्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा जो कि सेंसिटी आर्ट ड्राइम टू किल फॉर 2014 में रिलीज़ हुआ था काफ़ी पसंद है आपको यह आने वाली यह मूवी काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस का आपको काम देखने को मिल जाता है इस मूवी में जैसी अल्बा अलबा बैनिशियो डेल्टोरो की कमाल की एक्टिंग देखने को मिल जाएगी एंड एडिटिंग एंड सरमाइटोग्राफी रॉबॉर्ट रॉड्रीज़ द्वारा ही की गई है कमाल की सरमाइटोग्राफी एडिटिंग देखने को मिल जाएगी जरूर से आप सिंध सिटी मूवी को देख सकते हो आई की बात की जाए तो सिंह सिटी को आई पर भी अच्छा खासा रेटिंग रिव्यूज़ मिला हुआ है इस मूवी को काफ़ी बढ़िया ज़्यादा लोगों ने पसंद की है आई पर एट एट आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पॉजिटिव रिव्यूज़ भी दिए हुए हैं इस मूवी को ज़रूर से आप देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना सो so, अगर आप सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को एच बी ओ मैक्स के ऊरली प्लेटफॉर्म पर जरूर से देख सकते हो तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2005 में रिलीज़ हुई मूवी सिन सिटी के बारे में यह मूवी बड़े ही दो में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि सिन सिटी मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने सिन सिटी मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कितने बजट में सिन सिटी मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना फुल डिटेल में आपको सिन सिटी मूवी का रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में डायरेक्टर की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रैंक मिलर ने रॉबर्ट रॉड्रिग्यूज़ ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो सिटी मूवी को प्रोड्यूस किया है एलिजाब एबालान ने एंड फ्रैंक मिलर ने रॉबर्ट रॉड्रिग्यूज़ ने और, और एक्ट्रेस की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जेसिका अल्बा देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डेल टोरो देखने को मिल जाते हैं ब्रिटैनी मर्फी देखने को मिल जाते हैं क्लाइव ओवेन देखने को मिल जाते हैं मिकी रॉर्की देखने को मिल जाते हैं ब्रूस विल्स देखने को मिल जाते हैं एंड एलिजा वुड भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी में सनमैटोग्राफी की है रॉबॉर्ट ने और इस मूवी को एडिट किया है रॉबर्ट रोड्रीग्यूज़ ने म्यूज़िक किया है इस मूवी का जॉहन डैबड़े ने ग्रैम रैबल ने एंड रॉबर्ट रोड्री ने और उसके आगे प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो इस मूवी को इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं डायमेंशन फिल्म्स, ट्रेवल मेकर स्टूडियोज एंड डिस्ट्रीब्यूट किए इस मूवी को मायरा मैक्स फिल्म्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन अप्रैल टू थाउजेंड फाइव रहा था उसके आगे रनिंग टाइम वन ट्वेंटी फोर मिनट्स था सेंसिटी मूवी का एंड बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो सेंसिटी मूवी का बजट फोर्टी मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन फिफ्टी एट पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जैसिका अल्बा ने नैन्सी कलानहा का कैरेक्टर निभाया है डैबॉन ओकी ने मिहो का करैक्टर निभाया है एलेक्सिस एलेक्सिस ब्लै, ब्लैडन ने बैकी का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे पावर्स बूथे ने सैनाटॉर एथान रोआार्क का करैक्टर निभाया है इस मूवी में जूड की कोलेला ने इस मूवी में कमिश्नर लेबोविट्स का कैरेक्टर निभाया है एंड रोसारियो डासन ने गेल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो तो यह कुछ इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात हो गई उसके आगे बात की जाए कि जॉनर की तो सिंसिटी मूवी एक नियो नॉयर क्राइम एंथोलॉजी फिल्म है फ्रैंक मिलर एंड रॉबर्ट रॉड्री द्वारा काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड यह मूवी आपको बता दें कि एक नावल के ऊपर बनाई गई है सिंसिटी नावल उसका नाम था उसके ऊपर ही इस मूवी को बनाया गया है काफ़ी अच्छी स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी एंड आपको बता दें कि इस मूवी का अगला पार्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा जो कि सिंसिटी आर्ट ड्राइम टू किल फॉर 2014 में रिलीज़ हुआ था काफ़ी पसंद आपको यह आने वाली यह मूवी काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस का आपको काम देखने को मिल जाता है इस मूवी में जैसी अल्बा अलबा बैनिशियो डेल्टोरो की कमाल की एक्टिंग देखने को मिल जाएगी एंड एडिटिंग एंड सरमाइटोग्राफी रॉबोर्ट रॉड्रीज द्वारा ही की गई है कमाल की सरमाइटोग्राफी एडिटिंग देखने को मिल जाएगी ज़रूर से आप आप सिटी मूवी को देख सकते हो आई की बात की जाए तो सिंह सिटी को आई पर भी अच्छा खासा रेटिंग रिव्यूज़ मिला हुआ है इस मूवी को काफ़ी बढ़िया ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है आई पर एट एट आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पॉजिटिव रिव्यूज़ भी दिए हुए हैं इस मूवी को सो जरूर से आप देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना सो so, अगर आप सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को एच बी ओ मैक्स के उर् प्लेटफॉर्म पर जरूर से देख सकते हो तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2005 में रिलीज़ हुई मूवी सिन सिटी के बारे में यह मूवी बड़े ही 2005 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि सिन सिटी मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने सिन सिटी मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कितने बजट में सिन सिटी मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना फुल डिटेल में आपको सिन सिटी मूवी का रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में डायरेक्टर की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रैंक मिलर ने रॉबर्ट रॉड्रिग्यूज़ ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी को प्रोड्यूस किया है एलिजाबेथ एबलान ने एंड फ्रांक मिलर ने रॉबर्ट रॉड्रिग्यूज़ ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जेसिका अल्बा देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टोरो देखने को मिल जाते हैं ब्रिटैनी मर्फी देखने को मिल जाते हैं क्लाइव ओवेन देखने को मिल जाते हैं मिक्की रॉर्की देखने को मिल जाते हैं ब्रूस विल्स देखने को मिल जाते हैं एंड एलिजा वुड भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी में सनमैटोग्राफी की है रॉबर्ट रोड्रीग्यूज़ ने और इस मूवी को एडिट किया है रॉबर्ट रोड्रीगूज़ ने म्यूजिक किया है इस मूवी का जॉहन डैबड़े ने ग्रैम रैबल ने एंड रॉबर्ट रोड्रीग्यूज़ ने और उसके आगे प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो इस मूवी को इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं डायमेंशन फिल्म्स, ट्रैवल मेकर स्टूडियोज एंड डिस्ट्रीब्यूट किए इस मूवी को मायरा मैक्स फिल्म्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन अप्रैल टू थाउजेंड फाइव रहा था उसके आगे रनिंग टाइम वन ट्वेंटी फोर था सेंसिटी मूवी का एंड बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो सेंसिटी मूवी का बजट फोर्टी मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन फिफ्टी एट पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जैसिका अल्बा ने नैन्सी कलाना का कैरेक्टर निभाया है डैबॉन ओकी ने मिहो का कैरेक्टर निभाया है एलेक्सिस एक्सीस ब्लैडन ने बैकी का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे पावर्स बूथे ने सैनाटॉर एथान रोआर्क का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जूड की कोलेला ने इस मूवी में कमिश्नर लेबोविट्स का कैरेक्टर निभाया है एंड रोसारियो डाउसन ने गेल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो तो यह कुछ इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात हो गई उसके आगे बात की जाए कि जॉनर की तो सिंसिटी मूवी एक न्यो नॉयर क्राइम एंथोलॉजी फिल्म है फ्रैंक मिलर एंड रॉबर्ट रॉड्री द्वारा काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड यह मूवी आपको बता दें कि एक नावल के ऊपर बनाई गई है सिंह सिटी नावल उसका नाम था उसके ऊपर ही इस मूवी को बनाया गया है काफ़ी अच्छी स्टोरी है। आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी एंड आपको बता दें कि इस मूवी का अगला पार्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा जो कि सेंसिटी आर्ट ड्राइम टू किल फॉर 2014 में रिलीज़ हुआ था काफ़ी पसंद है आपको यह आने वाली यह मूवी काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस का आपको काम देखने को मिल जाता है इस मूवी में जैसी का अलबा बैनिशियो डेल्टोरो की कमाल की एक्टिंग देखने को मिल जाएगी एंड एडिटिंग एंड सरमाइटोग्राफी रॉबर्ट रोड्रीगज़ द्वारा ही की गई है कमाल की सरमाइटोग्राफी एडिटिंग देखने को मिल जाएगी जरूर से आप सिंसिटी मूवी को देख सकते हो आई की बात की जाए तो सिंह सिटी को आई पर भी अच्छा खासा रेटिंग रिव्यूज़ मिला हुआ है इस मूवी को काफ़ी बढ़िया ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है आई पर एट एट आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पॉजिटिव रिव्यूज़ भी दिए हुए हैं इस मूवी को ज़रूर से आप देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना सो so, अगर आप सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को एच बी ओ मैक्स के ऊर प्लेटफॉर्म पर जरूर से देख सकते हो तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2005 में रिलीज़ हुई मूवी सिन सिटी के बारे में यह मूवी बड़े ही दो में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि सिन सिटी मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने सिन सिटी मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने ने लिखा है फुल डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कितने बजट में सिन सिटी मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना फुल डिटेल में आपको सिन सिटी मूवी का रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में डायरेक्टर की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रैंक मिलर ने रॉबर्ट रॉड्रिग्यूज़ ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो सिंसिटी मूवी को प्रोड्यूस किया है एलिजाबेथ एबालान ने एंड फ्रांक मिलर ने रॉबर्ट रॉड्रिग्यूज़ ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो सिंह सिटी मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जेसिका अल्बा देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डेल टोरो देखने को मिल जाते हैं ब्रिटानी मर्फी देखने को मिल जाते हैं क्लाइव ओवेन देखने को मिल जाते हैं मिकी रॉर्की देखने को मिल जाते हैं ब्रूस विल्स देखने को मिल जाते हैं एंड एलिजा वुड भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी में सैनमेटोग्राफी की है रॉबर्ट रॉबॉर्ट ने और इस मूवी को एडिट किया है रॉबर्ट रोड्रीग्यूज़ ने म्यूज़िक किया है इस मूवी का जॉहन डैबड़े ने ग्रैम रैबल ने एंड रॉबर्ट रोड्री ने और उसके आगे प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो इस मूवी को इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं डायमेंशन फिल्म्स, ट्रैवल मेकर स्टूडियोज एंड डिस्ट्रीब्यूट किए इस मूवी को मायरा मैक्स फिल्म्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन अप्रैल टू थाउजेंड फाइव रहा था उसके आगे रनिंग टाइम वन ट्वेंटी फोर मिनट्स था सेंसिटी मूवी का एंड बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो सेंसिटी मूवी का बजट फोर्टी मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन फिफ्टी एट पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जैसिका अल्बा ने नैन्सी कलानहा का करैक्टर निभाया है डैबॉन ओकी ने मिहो का करैक्टर निभाया है एलेक्सिस एलेक्सिस ब्लै, ब्लैडन ने बैकी का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे पावर्स बूथे ने सेनाटोर एथान रोआर्क का करैक्टर निभाया है इस मूवी में जूड की कोलेला ने इस मूवी में कमिश्नर लेबोविट्स का कैरेक्टर निभाया है एंड रोसारियो डासन ने गेल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो तो यह कुछ इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात हो गई उसके आगे बात की जाए कि जॉनर की तो सिंसिटी मूवी एक नियो नॉयर क्राइम एंथोलॉजी फिल्म है फ्रैंक मिलर एंड रॉबर्ट रॉड्री की द्वारा काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड यह मूवी आपको बता दें कि एक नावल के ऊपर बनाई गई है सिंसिटी नावल उसका नाम था उसके ऊपर ही इस मूवी को बनाया गया है काफ़ी अच्छी स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी एंड आपको बता दें कि इस मूवी का अगला पार्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा जो कि सीनसिटी आर्ट ड्राइम टू किल फॉर 2014 में रिलीज़ हुआ था काफ़ी पसंद है आपको यह आने वाली यह मूवी काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस का आपको काम देखने को मिल जाता है इस मूवी में जैसी अल्बा अलबा बैनिसियो डेल्टोरो की कमाल की एक्टिंग देखने को मिल जाएगी एंड एडिटिंग एंड सरमाइटोग्राफी रॉबर्ट रॉड्रीज द्वारा ही की गई है कमाल की सरमाइटोग्राफी एडिटिंग देखने को मिल जाएगी जरूर से आप सिंध सिटी मूवी को देख सकते हो आई की बात की जाए तो सिंह सिटी को आई पर भी अच्छा खासा रेटिंग रिव्यूज़ मिला हुआ है इस मूवी को काफ़ी बढ़िया ज़्यादा लोगों ने पसंद की है आई पर एट एट आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पॉजिटिव रिव्यूज़ भी दिए हुए हैं इस मूवी को ज़रूर से आप देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना सो so, अगर आप सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को एच बी ओ मैक्स के ओरली प्लेटफॉर्म पर जरूर से देख सकते हो तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2005 में रिलीज़ हुई मूवी सिन सिटी के बारे में यह मूवी बड़े ही दो में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि सिन सिटी मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी साथ ही में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने सिन सिटी मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कितने बजट में सिन सिटी मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना फुल डिटेल में आपको सिन सिटी मूवी का रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में डायरेक्टर की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रैंक मिलर ने रॉबर्ट रॉड्रिग्यूज़ ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो सिंह सिटी मूवी को प्रोड्यूस किया है एलिजाबेथ एबलान ने एंड फ्रैंक मिलर ने रॉबर्ट रॉड्रिग्यूज़ ने और, और एक्ट्रेस की बात की जाए तो सिंह सिटी मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जेसिका अल्बा देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टोरो देखने को मिल जाते हैं ब्रिटैनी मर्फी देखने को मिल जाते हैं क्लाइव ओवेन देखने को मिल जाते हैं मिक्की रॉर्की देखने को मिल जाते हैं ब्रूस विल्स देखने को मिल जाते हैं एंड एलिजा वुड भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी में सनमैटोग्राफी की है रॉबॉर्ट ने और इस मूवी को एडिट किया है रॉबर्ट रोड्रीग्यूज़ ने म्यूज़िक किया है इस मूवी का जॉहन डैबड़े ने ग्रैम रैबल ने एंड रॉबर्ट रॉड्री ने और उसके आगे प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो इस मूवी को इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं डायमेंशन फिल्म्स, ट्रेवल मेकर स्टूडियोज एंड डिस्ट्रीब्यूट किए इस मूवी को मायरा मैक्स फिल्म्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन अप्रैल टू थाउजेंड फाइव रहा था उसके आगे रनिंग टाइम वन ट्वेंटी फोर मिनट था सेंसिटी मूवी का एंड बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो सेंसिटी मूवी का बजट फोर्टी मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन फिफ्टी एट पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जैसिका अल्बा ने नैन्सी कलानहा का कैरेक्टर निभाया है देबॉन ओकी ने मिहो का करैक्टर निभाया है एक्सीस एक्सिस ब्लैडन ने बैकी का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे पावर्स बूथे ने सैनाटॉर एथान रोआर्क का करैक्टर निभाया है इस मूवी में जूड की कोलेला ने इस मूवी में कमिश्नर लेबोविट्स का कैरेक्टर निभाया है एंड रोसारियो डाउसन ने गेल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो तो यह कुछ इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात हो गई उसके आगे बात की जाए कि जॉनर की तो सिंसिटी मूवी एक नियो नोयर क्राइम एंथोलॉजी फिल्म है फ्रैंक मिलर एंड रॉबर्ट रॉड्री द्वारा काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड यह मूवी आपको बता दें कि एक नावल के ऊपर बनाई गई है सिंसिटी नावल उसका नाम था उसके ऊपर ही इस मूवी को बनाया गया है काफ़ी अच्छी स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी एंड आपको बता दें कि इस मूवी का अगला पार्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा जो कि सिंसिटी आर्ट ड्राइम टू किल फॉर 2014 में रिलीज़ हुआ था काफ़ी पसंद है आपको यह आने वाली यह मूवी काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस का आपको काम देखने को मिल जाता है इस मूवी में जैसी अल्बा अलबा बैनिशियो डेल्टोरो की कमाल की एक्टिंग देखने को मिल जाएगी एंड एडिटिंग एंड सरमाइटोग्राफी रॉबोर्ट रॉड्री द्वारा ही की गई है कमाल की सैनमग्राफी एडिटिंग देखने को मिल जाएगी जरूर से आप सिटी मूवी को देख सकते हो आई की बात की जाए तो सिंह सिटी को आई पर भी अच्छा खासा रेटिंग रिव्यूज़ मिला हुआ है इस मूवी को काफ़ी बढ़िया ज़्यादा लोगों ने पसंद की है आई पर एट एट आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पॉजिटिव रिव्यूज़ भी दिए हुए हैं इस मूवी को सो ज़रूर से आप देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना सो so, अगर आप सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को एच बी ओ मैक्स के उर् प्लेटफॉर्म पर जरूर से देख सकते हो तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2005 में रिलीज़ हुई मूवी सिन सिटी के बारे में यह मूवी बड़े ही 2005 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि सिन सिटी मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने सिन सिटी मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कितने बजट में सिन सिटी मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना फुल डिटेल में आपको सिन सिटी मूवी का रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में डायरेक्टर की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रैंक मिलर ने रॉबर्ट रॉड्रिग्यूज़ ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी को प्रोड्यूस किया है एलिजाब एबलान ने एंड फ्रांक मिलर ने रॉबर्ट रॉड्रिग्यूज़ ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो सिंसिटी मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जेसिका अल्बा देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डेल टोरो देखने को मिल जाते हैं ब्रिटानी मर्फी देखने को मिल जाते हैं क्लाइव ओवेन देखने को मिल जाते हैं मिक्की रॉर्की देखने को मिल जाते हैं ब्रूस विल्स देखने को मिल जाते हैं एंड एलिजा वुड भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी में सनमैटोग्राफी की है रॉबर्ट रोड्री ने और इस मूवी को एडिट किया है रॉबर्ट रोड्रीग्यूज़ ने म्यूजिक किया है इस मूवी का जॉहन डैबड़े ने ग्रैम रेबल ने एंड रॉबर्ट रोड्रीग्यूज़ ने और उसके आगे प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो इस मूवी को इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं डायमेंशन फिल्म्स, ट्रैवल मेकर स्टूडियोज एंड डिस्ट्रीब्यूट किए इस मूवी को मायरा मैक्स फिल्म्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन अप्रैल टू थाउजेंड फाइव रहा था उसके आगे रनिंग टाइम वन ट्वेंटी फोर मिनट्स था सेंसिटी मूवी का एंड बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो सेंसिटी मूवी का बजट फोर्टी मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन फिफ्टी एट पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जैसिका अल्बा ने नैन्सी कलानहा का करैक्टर निभाया है डैबॉन ओकी ने मिहो का करैक्टर निभाया है एलेक्सिस एक्सीस ब्लै, ब्लैडन ने बैकी का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे पावर्स बूथे ने सैनाटोर एथान रोआर्क का करैक्टर निभाया है इस मूवी में जूड की कोलेला ने इस मूवी में कमिश्नर लेबोविट्स का कैरेक्टर निभाया है एंड रोसारियो डाउसन ने गेल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो तो यह कुछ इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात हो गई उसके आगे बात की जाए कि जॉनर की तो सिंह सिटी मूवी एक नियो नॉयर क्राइम एंथोलॉजी फिल्म है फ्रैंक मिलर एंड रॉबर्ट रॉड्री की द्वारा काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड यह मूवी आपको बता दें कि एक नावल के ऊपर बनाई गई है सिंसिटी नावल उसका नाम था उसके ऊपर ही इस मूवी को बनाया गया है काफ़ी अच्छी स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी एंड आपको बता दें कि इस मूवी का अगला पार्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा जो कि सेंसिटी आर्ट ड्राइम टू किल फॉर 2014 में रिलीज़ हुआ था काफ़ी पसंद है आपको यह आने वाली यह मूवी काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस का आपको काम देखने को मिल जाता है इस मूवी में जैसी अल्बा अलबा बैनिशियो डेल्टोरो की कमाल की एक्टिंग देखने को मिल जाएगी एंड एडिटिंग एंड सरमाइटोग्राफी रॉबॉर्ट रॉड्रीज द्वारा ही की गई है कमाल की सरमाइटोग्राफी एडिटिंग देखने को मिल जाएगी जरूर से आप सिंध सिटी मूवी को देख सकते हो आई की बात की जाए तो सिंह सिटी को आई पर भी अच्छा खासा रेटिंग रिव्यूज़ मिला हुआ है इस मूवी को काफ़ी बढ़िया ज़्यादा लोगों ने पसंद की है आई पर एट एट आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पॉजिटिव रिव्यूज़ भी दिए हुए हैं इस मूवी को ज़रूर से आप देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना सो so, अगर आप सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को एच बी ओ मैक्स के ओरली प्लेटफॉर्म पर जरूर से देख सकते हो तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2005 में रिलीज़ हुई मूवी सिन सिटी के बारे में यह मूवी बड़े ही 2005 में रिलीज हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि सिन सिटी मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने सिन सिटी मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कितने बजट में सिन सिटी मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना फुल डिटेल में आपको सिन सिटी मूवी का रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में डायरेक्टर की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रैंक मिलर ने रॉबर्ट रॉड्रिग्यूज़ ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो सिटी मूवी को प्रोड्यूस किया है एलिजाब एबालान ने एंड फ्रांक मिलर ने रॉबर्ट रॉड्रिग्यूज़ ने और, और एक्ट्रेस की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जेसिका अल्बा देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डेल टोरो देखने को मिल जाते हैं ब्रिटैनी मर्फी देखने को मिल जाते हैं क्लाइव ओवेन देखने को मिल जाते हैं मिकी रॉर्की देखने को मिल जाते हैं ब्रूस विल्स देखने को मिल जाते हैं एंड एलिजा वुड भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी में सनमैटोग्राफी की है रॉबॉर्ट ने और इस मूवी को एडिट किया है रॉबर्ट रोड्रीग्यूज़ ने म्यूज़िक किया है इस मूवी का जॉहन डैबड़े ने ग्रैम रैबल ने एंड रॉबर्ट रोड्री ने और उसके आगे प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो इस मूवी को इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं डायमेंशन फिल्म्स ट्रेवल मेकर स्टूडियोज एंड डिस्ट्रीब्यूट किए इस मूवी को मायरा मैक्स फिल्म ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन अप्रैल 2005 रहा था उसके आगे रनिंग टाइम वन ट्वेंटी फोर मिनट्स था सेंसिटी मूवी का एंड बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो सेंसिटी मूवी का बजट फोर्टी मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का वॉक्स ऑफ कलेक्शन वन फिफ्टी एट पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जैसिका अल्बा ने नैन्सी कलानहा का कैरेक्टर निभाया है डैबॉन ओकी ने मिहो का करैक्टर निभाया है एलेक्सिस एलेक्सिस ब्लैडन ने बैकी का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे पावर्स बूथे ने सैनाटॉर एथान रोआार्क का करैक्टर निभाया है इस मूवी में जूड की कोलेला ने इस मूवी में कमिश्नर लेबोविट्स का कैरेक्टर निभाया है एंड रोसारियो डासन ने गेल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो तो यह कुछ इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात हो गई उसके आगे बात की जाए कि जॉनर की तो सिंसिटी मूवी एक नियो नॉयर क्राइम एंथोलॉजी फिल्म है फ्रैंक मिलर एंड रॉबर्ट रॉड्री द्वारा काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड यह मूवी आपको बता दें कि एक नावल के ऊपर बनाई गई है सिंसिटी नावल उसका नाम था उसके ऊपर ही इस मूवी को बनाया गया है काफ़ी अच्छी स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी एंड आपको बता दें कि इस मूवी का अगला पार्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा जो कि सिंसिटी आर्ट ड्राइम टू किल फॉर 2014 में रिलीज़ हुआ था काफ़ी पसंद आपको यह आने वाली यह मूवी काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस का आपको काम देखने को मिल जाता है इस मूवी में जैसी अल्बा अलबा बैनिशियो डेल्टोरो की कमाल की एक्टिंग देखने को मिल जाएगी एंड एडिटिंग एंड सरमाइटोग्राफी रॉबोर्ट रॉड्रीज द्वारा ही की गई है कमाल की सरमाइटोग्राफी एडिटिंग देखने को मिल जाएगी ज़रूर से आप आप सिटी मूवी को देख सकते हो आई की बात की जाए तो सिंह सिटी को आई पर भी अच्छा खासा रेटिंग रिव्यूज़ मिला हुआ है इस मूवी को काफ़ी बढ़िया ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है आई पर एट एट आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पॉजिटिव रिव्यूज़ भी दिए हुए हैं इस मूवी को सो जरूर से आप देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना सो so, अगर आप सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को एच बी ओ मैक्स के उर् प्लेटफॉर्म पर जरूर से देख सकते हो तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2005 में रिलीज़ हुई मूवी सिन सिटी के बारे में यह मूवी बड़े ही 2005 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि सिन सिटी मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने सिन सिटी मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कितने बजट में सिन सिटी मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना फुल डिटेल में आपको सिन सिटी मूवी का रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में डायरेक्टर की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रैंक मिलर ने रॉबर्ट रोड्री ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो सिंसिटी मूवी को प्रोड्यूस किया है एलिजाबेथ एबलान ने एंड फ्रांक मिलर ने रॉबर्ट रोड्रिकूज ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो सिंह सिटी मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जेसिका अल्बा देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डेल टोरो देखने को मिल जाते हैं ब्रिटानी मर्फी देखने को मिल जाते हैं क्लाइव ओवेन देखने को मिल जाते हैं मिक्की रॉर्की देखने को मिल जाते हैं ब्रूस विल्स देखने को मिल जाते हैं एंड एलिजा वुड भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी में सनमैटोग्राफी की है रॉबर्ट रोड्रीग्यूज़ ने और इस मूवी को एडिट किया है रॉबर्ट रोड्रीगूज़ ने म्यूजिक किया है इस मूवी का जॉहन डैबड़े ने ग्रैम रैबल ने एंड रॉबर्ट रोड्रीग्यूज़ ने और उसके आगे प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो इस मूवी को इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं डायमेंशन फिल्म्स, ट्रैवल मेकर स्टूडियोज एंड डिस्ट्रीब्यूट किए इस मूवी को मायरा मैक्स फिल्म्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन अप्रैल टू थाउजेंड फाइव रहा था उसके आगे रनिंग टाइम वन ट्वेंटी फोर था सेंसिटी मूवी का एंड बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो सेंसिटी मूवी का बजट फोर्टी मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन फिफ्टी एट पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जैसिका अल्बा ने नैन्सी कलाना का कैरेक्टर निभाया है डैबॉन ओकी ने मिहो का कैरेक्टर निभाया है एलेक्सिस एक्सीस ब्लैडन ने बैकी का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे पावर्स बूथे ने सैनाटॉर एथान रोआर्क का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जूड की कोलेला ने इस मूवी में कमिश्नर लेबोविट्स का कैरेक्टर निभाया है एंड रोसारियो डाउसन ने गेल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो तो यह कुछ इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात हो गई उसके आगे बात की जाए कि जॉनर की तो सिंसिटी मूवी एक न्यो नॉयर क्राइम एंथोलॉजी फिल्म है फ्रैंक मिलर एंड रॉबर्ट रॉड्री द्वारा काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड यह मूवी आपको बता दें कि एक नावल के ऊपर बनाई गई है सिंह सिटी नावल उसका नाम था उसके ऊपर ही इस मूवी को बनाया गया है काफ़ी अच्छी स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी एंड आपको बता दें कि इस मूवी का अगला पार्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा जो कि सिंसिटी आर्ट ड्राइम टू किल फॉर 2014 में रिलीज़ हुआ था काफ़ी पसंद है आपको यह आने वाली यह मूवी काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस का आपको काम देखने को मिल जाता है इस मूवी में जैसी का अलबा बैनिशियो डेल्टोरो की कमाल की एक्टिंग देखने को मिल जाएगी एंड एडिटिंग एंड सरमाइटोग्राफी रॉबॉर्ट रोड्रीगज़ द्वारा ही की गई है कमाल की सरमाइटोग्राफी एडिटिंग देखने को मिल जाएगी जरूर से आप सिंसिटी मूवी को देख सकते हो आई की बात की जाए तो सिंह सिटी को आई पर भी अच्छा खासा रेटिंग रिव्यूज़ मिला हुआ है इस मूवी को काफ़ी बढ़िया ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है आई पर एट एट आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पॉजिटिव रिव्यूज़ भी दिए हुए हैं इस मूवी को ज़रूर से आप देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना सो so, अगर आप सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को एच बी ओ मैक्स के ऊर प्लेटफॉर्म पर जरूर से देख सकते हो तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2005 में रिलीज़ हुई मूवी सिन सिटी के बारे में यह मूवी बड़े ही दो में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि सिन सिटी मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने सिन सिटी मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने ने लिखा है फुल डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कितने बजट में सिन सिटी मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना फुल डिटेल में आपको सिन सिटी मूवी का रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में डायरेक्टर की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रैंक मिलर ने रॉबर्ट रॉड्रिग्यूज़ ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो सिंसिटी मूवी को प्रोड्यूस किया है एलिजाबेथ एबालान ने एंड फ्रांक मिलर ने रॉबर्ट रॉड्रिग्यूज़ ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो सिंह सिटी मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जेसिका अल्बा देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डेल टोरो देखने को मिल जाते हैं ब्रिटानी मर्फी देखने को मिल जाते हैं क्लाइव ओवेन देखने को मिल जाते हैं मिकी रॉर्की देखने को मिल जाते हैं ब्रूस विल्स देखने को मिल जाते हैं एंड एलिजा वुड भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी में सैनमेटोग्राफी की है रॉबर्ट रॉबॉर्ट ने और इस मूवी को एडिट किया है रॉबर्ट रोड्रीग्यूज़ ने म्यूज़िक किया है इस मूवी का जॉहन डैबड़े ने ग्रैम रैबल ने एंड रॉबर्ट रोड्री ने और उसके आगे प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो इस मूवी को इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं डायमेंशन फिल्म्स, ट्रैवल मेकर स्टूडियोज एंड डिस्ट्रीब्यूट किए इस मूवी को मायरा मैक्स फिल्म्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन अप्रैल टू थाउजेंड फाइव रहा था उसके आगे रनिंग टाइम वन ट्वेंटी फोर मिनट्स था सेंसिटी मूवी का एंड बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो सेंसिटी मूवी का बजट फोर्टी मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन फिफ्टी एट पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जैसिका अल्बा ने नैन्सी कलानहा का करैक्टर निभाया है डैबॉन ओकी ने मिहो का करैक्टर निभाया है एलेक्सिस एलेक्सिस ब्लैडन ने बैकी का करैक्टर दे निभाया है इस मूवी में उसके आगे पावर्स बूथे ने सेनाटोर एथान रोआर्क का करैक्टर निभाया है इस मूवी में जूड की कोलेला ने इस मूवी में कमिश्नर लेबोविट्स का कैरेक्टर निभाया है एंड रोसारियो डासन ने गेल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो तो यह कुछ इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात हो गई उसके आगे बात की जाए कि जॉनर की तो सिंसिटी मूवी एक नियो नॉयर क्राइम एंथोलॉजी फिल्म है फ्रैंक मिलर एंड रॉबर्ट रॉड्री की द्वारा काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड यह मूवी आपको बता दें कि एक नावल के ऊपर बनाई गई है सिंसिटी नावल उसका नाम था उसके ऊपर ही इस मूवी को बनाया गया है काफ़ी अच्छी स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी एंड आपको बता दें कि इस मूवी का अगला पार्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा जो कि सेंसिटी आर्ट ड्राइम टू किल फॉर 2014 में रिलीज़ हुआ था काफ़ी पसंद है आपको यह आने वाली यह मूवी काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस का आपको काम देखने को मिल जाता है इस मूवी में जैसी अल्बा अलबा बैनिसियो डेल्टोरो की कमाल की एक्टिंग देखने को मिल जाएगी एंड एडिटिंग एंड सरमाइटोग्राफी रॉबर्ट रॉड्रीज द्वारा ही की गई है कमाल की सरमाइटोग्राफी एडिटिंग देखने को मिल जाएगी जरूर से आप सिंध सिटी मूवी को देख सकते हो आई की बात की जाए तो सिंह सिटी को आई पर भी अच्छा खासा रेटिंग रिव्यूज़ मिला हुआ है इस मूवी को काफ़ी बढ़िया ज़्यादा लोगों ने पसंद की है आई पर एट एट आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पॉजिटिव रिव्यूज़ भी दिए हुए हैं इस मूवी को ज़रूर से आप देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना सो so, अगर आप सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को एच बी ओ मैक्स के ओरली प्लेटफॉर्म पर जरूर से देख सकते हो तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2005 में रिलीज़ हुई मूवी सिन सिटी के बारे में यह मूवी बड़े ही दो में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि सिन सिटी मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी साथ ही में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने सिन सिटी मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कितने बजट में सिन सिटी मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना फुल डिटेल में आपको सिन सिटी मूवी का रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में डायरेक्टर की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रैंक मिलर ने रॉबर्ट रॉड्रिग्यूज़ ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो सिंह सिटी मूवी को प्रोड्यूस किया है एलिजाबेथ एबलान ने एंड फ्रैंक मिलर ने रॉबर्ट रॉड्रिग्यूज़ ने और, और एक्ट्रेस की बात की जाए तो सिंह सिटी मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जेसिका अल्बा देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टोरो देखने को मिल जाते हैं ब्रिटैनी मर्फी देखने को मिल जाते हैं क्लाइव ओवेन देखने को मिल जाते हैं मिक्की रॉर्की देखने को मिल जाते हैं ब्रूस विल्स देखने को मिल जाते हैं एंड एलिजा वुड भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी में सनमैटोग्राफी की है रॉबर्ट रॉबॉर्ट ने और इस मूवी को एडिट किया है रॉबर्ट रोड्रीग्यूज़ ने म्यूज़िक किया है इस मूवी का जॉहन डैबड़े ने ग्रैम रैबल ने एंड रॉबर्ट रॉड्री ने और उसके आगे प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो इस मूवी को इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं डायमेंशन फिल्म्स, ट्रेवल मेकर स्टूडियोज एंड डिस्ट्रीब्यूट किए इस मूवी को मायरा मैक्स फिल्म्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन अप्रैल टू थाउजेंड फाइव रहा था उसके आगे रनिंग टाइम वन ट्वेंटी फोर मिनट था सेंसिटी मूवी का एंड बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो सेंसिटी मूवी का बजट फोर्टी मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन फिफ्टी एट पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जैसिका अल्बा ने नैन्सी कलानहा का कैरेक्टर निभाया है देबॉन ओकी ने मिहो का करैक्टर निभाया है एक्सीस एक्सिस ब्लैडन ने बैकी का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे पावर्स बूथे ने सैनाटॉर एथान रोआर्क का करैक्टर निभाया है इस मूवी में जूड की कोलेला ने इस मूवी में कमिश्नर लेबोविट्स का कैरेक्टर निभाया है एंड रोसारियो डाउसन ने गेल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो तो यह कुछ इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात हो गई उसके आगे बात की जाए कि जॉनर की तो सिंसिटी मूवी एक नियो नोयर क्राइम एंथोलॉजी फिल्म है फ्रैंक मिलर एंड रॉबर्ट रॉड्री द्वारा काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड यह मूवी आपको बता दें कि एक नावल के ऊपर बनाई गई है सिंसिटी नावल उसका नाम था उसके ऊपर ही इस मूवी को बनाया गया है काफ़ी अच्छी स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी एंड आपको बता दें कि इस मूवी का अगला पार्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा जो कि सिंसिटी आर्ट ड्राइम टू किल फॉर 2014 में रिलीज़ हुआ था काफ़ी पसंद है आपको यह आने वाली यह मूवी काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस का आपको काम देखने को मिल जाता है इस मूवी में जैसी अल्बा अलबा बैनिशियो डेल्टोरो की कमाल की एक्टिंग देखने को मिल जाएगी एंड एडिटिंग एंड सरमाइटोग्राफी रॉबोर्ट रॉड्री द्वारा ही की गई है कमाल की सरमाइटोग्राफी एडिटिंग देखने को मिल जाएगी जरूर से आप सिटी मूवी को देख सकते हो आई की बात की जाए तो सिंह सिटी को आई पर भी अच्छा खासा रेटिंग रिव्यूज़ मिला हुआ है इस मूवी को काफ़ी बढ़िया ज़्यादा लोगों ने पसंद की है आई पर एट एट आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पॉजिटिव रिव्यूज़ भी दिए हुए हैं इस मूवी को तो जरूर से आप देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना सो so, अगर आप सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को एच बी ओ मैक्स के उर् प्लेटफॉर्म पर ज़रूर से देख सकते हो तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2005 में रिलीज़ हुई मूवी सिन सिटी के बारे में यह मूवी बड़े ही 2005 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि सिन सिटी मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने सिन सिटी मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कितने बजट में सिन सिटी मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना फुल डिटेल में आपको सिन सिटी मूवी का रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में डायरेक्टर की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रैंक मिलर ने रॉबर्ट रॉड्रिग्यूज़ ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी को प्रोड्यूस किया है एलिजाब एबलान ने एंड फ्रांक मिलर ने रॉबर्ट रॉड्रिग्यूज़ ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो सिटी मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जेसिका अल्बा देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डेल टोरो देखने को मिल जाते हैं ब्रिटानी मर्फी देखने को मिल जाते हैं क्लाइव ओवेन देखने को मिल जाते हैं मिकी रॉर्की देखने को मिल जाते हैं ब्रूस विल्स देखने को मिल जाते हैं एंड एलिजा वुड भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी में सनमैटोग्राफी की है रॉबर्ट रोड्री ने और इस मूवी को एडिट किया है रॉबर्ट रोड्रीग्यूज़ ने म्यूजिक किया है इस मूवी का जॉहन डैबड़े ने ग्रैम रेबल ने एंड रॉबर्ट रोड्री ने और उसके आगे प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो इस मूवी को इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं डायमेंशन फिल्म्स, ट्रैवल मेकर स्टूडियोज एंड डिस्ट्रीब्यूट किए इस मूवी को मायरा मैक्स फिल्म्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन अप्रैल टू थाउजेंड फाइव रहा था उसके आगे रनिंग टाइम वन ट्वेंटी फोर मिनट्स था सेंसिटी मूवी का एंड बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो सेंसिटी मूवी का बजट फोर्टी मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन फिफ्टी एट पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जैसिका अल्बा ने नैन्सी कलानहा का करैक्टर निभाया है डैबॉन ओकी ने मिहो का करैक्टर निभाया है एलेक्सिस एक्सीस ब्लैडन ने बैकी का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे पावर्स बूथे ने सैनाटोर एथान रोआर्क का करैक्टर निभाया है इस मूवी में जूड की कोलेला ने इस मूवी में कमिश्नर लेबोविट्स का कैरेक्टर निभाया है एंड रोसारियो डासन ने गेल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो तो यह कुछ इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात हो गई उसके आगे बात की जाए कि जॉनर की तो सिंह सिटी मूवी एक नियो नॉयर क्राइम एंथोलॉजी फिल्म है फ्रैंक मिलर एंड रॉबर्ट रॉड्री की द्वारा काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड यह मूवी आपको बता दें कि एक नावल के ऊपर बनाई गई है सिंसिटी नावल उसका नाम था उसके ऊपर ही इस मूवी को बनाया गया है काफ़ी अच्छी स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी एंड आपको बता दें कि इस मूवी का अगला पार्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा जो कि सेंसिटी आर्ट ड्राइम टू किल फॉर 2014 में रिलीज़ हुआ था काफ़ी पसंद आपको यह आने वाली यह मूवी काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस का आपको काम देखने को मिल जाता है इस मूवी में जैसी अल्बा अलबा बैनिशियो डेल्टोरो की कमाल की एक्टिंग देखने को मिल जाएगी एंड एडिटिंग एंड सरमाइटोग्राफी रॉबॉर्ट रॉड्रीज द्वारा ही की गई है कमाल की सरमाइटोग्राफी एडिटिंग देखने को मिल जाएगी जरूर से आप सिंध सिटी मूवी को देख सकते हो आई की बात की जाए तो सिंह सिटी को आई पर भी अच्छा खासा रेटिंग रिव्यूज़ मिला हुआ है इस मूवी को काफ़ी बढ़िया ज़्यादा लोगों ने पसंद की है आई पर एट एट आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पॉजिटिव रिव्यूज़ भी दिए हुए हैं इस मूवी को ज़रूर से आप देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना सो so, अगर आप सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को एच बी ओ मैक्स के ऊरली प्लेटफॉर्म पर जरूर से देख सकते हो तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2005 में रिलीज़ हुई मूवी सिन सिटी के बारे में यह मूवी बड़े ही 2005 में रिलीज हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि सिन सिटी मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने सिन सिटी मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कितने बजट में सिन सिटी मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना फुल डिटेल में आपको सिन सिटी मूवी का रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में डायरेक्टर की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रैंक मिलर ने रॉबर्ट रॉड्रिग्यूज़ ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो सिटी मूवी को प्रोड्यूस किया है एलिजाब एबालान ने एंड फ्रैंक मिलर ने रॉबर्ट रॉड्रिग्यूज़ ने और, और एक्ट्रेस की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जेसिका अल्बा देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डेल टोरो देखने को मिल जाते हैं ब्रिटैनी मर्फी देखने को मिल जाते हैं क्लाइव ओवेन देखने को मिल जाते हैं मिकी रॉर्की देखने को मिल जाते हैं ब्रूस विल्स देखने को मिल जाते हैं एंड एलिजा वुड भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी में सनमैटोग्राफी की है रॉबॉर्ट ने और इस मूवी को एडिट किया है रॉबर्ट रोड्रीग्यूज़ ने म्यूज़िक किया है इस मूवी का जॉहन डैबड़े ने ग्रैम रैबल ने एंड रॉबर्ट रोड्री ने और उसके आगे प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो इस मूवी को इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं डायमेंशन फिल्म्स, ट्रेवल मेकर स्टूडियोज एंड डिस्ट्रीब्यूट किए इस मूवी को मायरा मैक्स फिल्म्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन अप्रैल टू थाउजेंड फाइव रहा था उसके आगे रनिंग टाइम वन ट्वेंटी फोर मिनट्स था सेंसिटी मूवी का एंड बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो सेंसिटी मूवी का बजट फोर्टी मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन फिफ्टी एट पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जैसिका अल्बा ने नैन्सी कलानहा का कैरेक्टर निभाया है डैबॉन ओकी ने मिहो का करैक्टर निभाया है एलेक्सिस एलेक्सिस ब्लैडन ने बैकी का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे पावर्स बूथे ने सैनाटॉर एथान रोआार्क का करैक्टर निभाया है इस मूवी में जूड की कोलेला ने इस मूवी में कमिश्नर लेबोविट्स का कैरेक्टर निभाया है एंड रोसारियो डासन ने गेल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो तो यह कुछ इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात हो गई उसके आगे बात की जाए कि जॉनर की तो सिंसिटी मूवी एक नियो नॉयर क्राइम एंथोलॉजी फिल्म है फ्रैंक मिलर एंड रॉबर्ट रॉड्री द्वारा काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड यह मूवी आपको बता दें कि एक नावल के ऊपर बनाई गई है सिंसिटी नावल उसका नाम था उसके ऊपर ही इस मूवी को बनाया गया है काफ़ी अच्छी स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी एंड आपको बता दें कि इस मूवी का अगला पार्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा जो कि सिंसिटी आर्ट ड्राइम टू किल फॉर 2014 में रिलीज़ हुआ था काफ़ी पसंद आपको यह आने वाली यह मूवी काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस का आपको काम देखने को मिल जाता है इस मूवी में जैसी अल्बा अलबा बैनिसियो डेल्टोरो की कमाल की एक्टिंग देखने को मिल जाएगी एंड एडिटिंग एंड सरमाइटोग्राफी रॉबोर्ट रॉड्रीज द्वारा ही की गई है कमाल की सरमाइटोग्राफी एडिटिंग देखने को मिल जाएगी ज़रूर से आप आप सिटी मूवी को देख सकते हो आई की बात की जाए तो सिंह सिटी को आई पर भी अच्छा खासा रेटिंग रिव्यूज़ मिला हुआ है इस मूवी को काफ़ी बढ़िया ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है आई पर एट एट आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पॉजिटिव रिव्यूज़ भी दिए हुए हैं इस मूवी को सो जरूर से आप देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना सो so, अगर आप सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को एच बी ओ मैक्स के उर् प्लेटफॉर्म पर जरूर से देख सकते हो तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2005 में रिलीज़ हुई मूवी सिन सिटी के बारे में यह मूवी बड़े ही 2005 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी सिन सिटी मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि सिन सिटी मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन सी टीम ने सिन सिटी मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने लिखा है फुल डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साथ ही में बात करेंगे कितने बजट में सिन सिटी मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना फुल डिटेल में आपको सिन सिटी मूवी का रिव्यू इस वीडियो में मिल जाएगा साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी की टीम के बारे में डायरेक्टर की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रैंक मिलर ने रॉबर्ट रॉड्रिग्यूज़ ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी को प्रोड्यूस किया है एलिजाबेथ एबलान ने एंड फ्रैंक मिलर ने रॉबर्ट रॉड्रिग्यूज़ ने और एक्ट्रेस की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जेसिका अल्बा देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टोरो देखने को मिल जाते हैं ब्रिटैनी मर्फी देखने को मिल जाते हैं क्लाइव ओवेन देखने को मिल जाते हैं मिक्की रॉर्की देखने को मिल जाते हैं ब्रूस विल्स देखने को मिल जाते हैं एंड एलिजा वुड भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सनमैटोग्राफी की बात की जाए तो सिन सिटी मूवी में सनमैटोग्राफी की है रॉबर्ट रोड्रीग्यूज़ ने और इस मूवी को एडिट किया है रॉबर्ट रोड्रीगूज़ ने म्यूजिक किया है इस मूवी का जॉहन डैबड़े ने ग्रैम रेबल ने एंड रॉबर्ट रोड्रीग्यूज़ ने और उसके आगे प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो इस मूवी को इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं डायमेंशन फिल्म्स, ट्रैवल मेकर स्टूडियोज एंड डिस्ट्रीब्यूट किए इस मूवी को मायरा मैक्स फिल्म्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट वन अप्रैल टू थाउजेंड फाइव रहा था उसके आगे रनिंग टाइम वन ट्वेंटी फोर था सेंसिटी मूवी का एंड बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो सेंसिटी मूवी का बजट फोर्टी मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन वन फिफ्टी एट पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे एक्ट्रेस की बात की जाए कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में जैसिका अल्बा ने नैन्सी कलाना का कैरेक्टर निभाया है डैबॉन ओकी ने मिहो का कैरेक्टर निभाया है एलेक्सिस एक्सीस ब्लै, ब्लैडन ने बैकी का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे पावर्स बूथे ने सैनाटॉर एथान रोआर्क का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में जूड की कोलेला ने इस मूवी में कमिश्नर लेबोविट्स का कैरेक्टर निभाया है एंड रोसारियो डाउसन ने गेल का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सो तो यह कुछ इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात हो गई उसके आगे बात की जाए कि जॉनर की तो सिंसिटी मूवी एक न्यो नॉयर क्राइम एंथोलॉजी फिल्म है फ्रैंक मिलर एंड रॉबर्ट रॉड्री द्वारा काफ़ी बढ़िया इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है एंड यह मूवी आपको बता दें कि एक नावल के ऊपर बनाई गई है सिंह सिटी नावल उसका नाम था उसके ऊपर ही इस मूवी को बनाया गया है काफ़ी अच्छी स्टोरी है। आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी एंड आपको बता दें कि इस मूवी का अगला पार्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा जो कि सेंसिटी आर्ट ड्राइम टू किल फॉर 2014 में रिलीज़ हुआ था काफ़ी पसंद है आपको यह आने वाली यह मूवी काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस का आपको काम देखने को मिल जाता है इस मूवी में जैसी का अलबा बैनिशियो डेल्टोरो की कमाल की एक्टिंग देखने को मिल जाएगी एंड एडिटिंग एंड सरमाइटोग्राफी रॉबॉर्ट रोड्रीगज़ द्वारा ही की गई है कमाल की सरमाइटोग्राफी एडिटिंग देखने को मिल जाएगी जरूर से आप सिंसिटी मूवी को देख सकते हो आई की बात की जाए तो सिंह सिटी को आई पर भी अच्छा खासा रेटिंग रिव्यूज़ मिला हुआ है इस मूवी को काफ़ी बढ़िया ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है आई पर एट एट आउट ऑफ टेन की रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पॉजिटिव रिव्यूज़ भी दिए हुए हैं इस मूवी को ज़रूर से आप देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना सो so, अगर आप सिंसिटी मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलती लेकिन आप इस मूवी को एच बी ओ मैक्स के ऊपर प्लेटफॉर्म पर जरूर से देख सकते हो